डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिक कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। संतुलन की जो बेसिक कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को हम डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर में। कंडीशंस को, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को डिस्कशन करने से पहले हम थोड़ा इक्विलिब्रियम के बारे में जान लेते हैं। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज जीरो, द पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम। सच ए सेट ऑफ फोर्सेज व्हिच रिजल्टेंट इज जीरो आर कॉल्ड इक्विलिब्रियम फोर्सेज। यदि किसी पार्टिकल पे कई सारे बल कार्य करते हैं और उन बलों का रिजल्टेंट यदि जीरो है तो पार्टिकल संतुलन में कहलाएगा, यानी इक्विलिब्रियम में होगा। और इस तरह के जो बलों का जो समूह होगा वो सारे बल क्या कहलाएंगे, इक्विलिब्रियम फोर्सेस कहलाएंगे। इफ द फोर्स विच ब्रिंग्स द सेट ऑफ फोर्सेज इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एन इक्विलिब्रियम। यदि किसी पार्टिकल कई सारे बल कार्य कर रहे हैं और उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं है, कुछ भी वैल्यू है रिजल्टेंट की, और उसको इक्विलिब्रियम लाने के लिए यदि किसी फोर्स की को लगाना पड़ता है तो उस बल को हम इक्विलिब्रियम फोर्स कहेंगे। द इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और ये इक्विलिब्रियम जो होगा बल पार्टिकल को संतुलन की स्थिति में लाने के लिए लगाए जाएंगे हम, वो रिजल्टेंट बल के बराबर होगा परिमाण में, लेकिन डायरेक्शन में, दिशा में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट प्रिंसिपल है टू फोर्स प्रिंसिपल। एज पर दिस प्रिंसिपल, इफ ए बॉडी इज इक्विलिब्रियम इज एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेज देन दे मस्ट बी इक्वल, ऑपोजिट एंड कोलिनियर। यदि किसी पार्टिकल पर कोई दो बल एक्ट कर रहे हैं और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में, संतुलन में है, वह तभी हो सकता है जब दोनों बल एक दूसरे के इक्वल हो मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट हो और कोलिनियर हो, यानी संरेखीय बल हो, तब ही वो सिस्टम जो है बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। सेकंड प्रिंसिपल है थ्री फोर्स प्रिंसिपल। एज पर दिस प्रिंसिपल, इफ ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम इज एक्टेड अपॉन बाय थ्री फोर्सेज देन द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू फोर्सेज मस्ट बी इक्वल, ऑपोजिट एंड कोलिनियर विद द थर्ड फोर्स। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यदि कोई बॉडी संतुलन में है, तीन बल एक्ट कर रहे हैं उस बॉडी पर और वो बॉडी संतुलन में है, तो किन्हीं दो बलों के परिणामी बल का मान उस तीनों में से किसी तीसरे बल के परिमाण के बराबर होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा और उस तीसरे बल के साथ कोलिनियर होगा, यानी संरेखीय होगा, तीसरे बल के साथ संरेखीय होगा। ये थ्री फोर्स प्रिंसिपल कहलाएगा। थर्ड प्रिंसिपल है फोर फोर्स प्रिंसिपल। एज पर दिस प्रिंसिपल, इफ ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम इज एक्टेड अपॉन बाई फोर फोर्सेज देन द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू फोर्सेज मस्ट बी इक्वल, ऑपोजिट एंड कोलिनियर विद द रिजल्टेंट ऑफ द अदर टू फोर्सेज। किन्हीं दो बलों का रिजल्टेंट और बाकी बचे हुए दो बलों का रिजल्टेंट आपस में एक दूसरे के बराबर, ओपोजिट डायरेक्शन में और संरेखीय होगा। ये जब प्रिंसिपल तब काम लिया था जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में हो और उनके ऊपर चार बल कार्य कर रहे हो। बेसिक कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन है उस कंडीशन के लिए जिसमें हमारी बॉडी किसी डायरेक्शन में मूव करती है, उस स्टेज को लेके हम, पहली कंडीशन क्या है हमारी, इफ द बॉडी मूव्स इन एनी डायरेक्शन इट मीन्स दैट देयर इज ए रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ए लिटल कंसिडरेशन विल शो इफ दैट इफ द बॉडी इज टू बी एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम द रिजल्टेंट फोर्स कॉजिंग मूवमेंट मस्ट बी जीरो, और इन अदर वर्ड्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज मस्ट बी जीरो।
ये कंडीशन कह रही है कि यदि कोई बॉडी किसी वन डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसका मतलब ये है कि उस बॉडी पर कोई ना कोई परिणामी बल कार्य कर रहा है। यदि उस बॉडी को संतुलन में लाना है, हमें इक्विलिब्रियम में लाना है, तो वह रिजल्टेंट परिणामी बल जो उसको मूवमेंट प्रदान कर रहा है, जिस परिणामी बल के कारण उस बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, वो परिणामी बल जीरो होना चाहिए, यानी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें कोई बल लगाना पड़ेगा। और जीरो करने के लिए, उस परिणामी बल को जीरो करने के लिए क्या होगा, उसके दोनों कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी बलों का कंपोनेंटों का योग होगा वो दोनों जीरो होना चाहिए। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी समेशन h इक्वल टू जीरो एंड समेशन v इक्वल टू जीरो, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्षैतिज दिशा में जितने बल हैं उनकी क्षैतिज दिशा में घटकों का योग जीरो होना चाहिए, और ऊर्ध्वाधर दिशा में सभी ब्लॉक के घटकों का योग जीरो होना चाहिए, तब ही बॉडी संतुलन में होगी। उसी केस में हमारा परिणामी बल जीरो होगा। सेकंड कंडीशन उस स्थिति के लिए जब बॉडी खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, द बॉडी मे रोटेट अबाउट इटसेल्फ विदाउट मूविंग। इफ द बॉडी रोटेट्स अबाउट इटसेल्फ विदाउट मूविंग, इट मीन्स दैट देयर इज ए सिंगल रिजल्टेंट कपल एक्टिंग ऑन इट विथ नो रिजल्टेंट फोर्स। ए लिटल कंसिडरेशन विल शो दैट इफ द बॉडी इज टू बी एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम, द मोमेंट ऑफ द कपल कोजिंग रोटेशन मस्ट बी जीरो, और इन अदर वर्ड्स द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेज मस्ट बी जीरो। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब भी कोई बॉडी रोटेट करती है खुद की एक्सिस के अबाउट, तो इसका मतलब है कि उस बॉडी के ऊपर कोई कपल एक्ट कर रहा है, रिजल्टेंट परिणामी मोमेंट आघूर्ण जो है वो उसके ऊपर एक्ट कर रहा है। उस बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो तभी इक्विलिब्रियम में आएगी जब उसके ऊपर रिजल्टेंट कपल जो एक्ट कर रहा है, जिसके कारण वो रोटेट कर रही है, वो हमारा जीरो होना चाहिए। ये जीरो कब होगा, जब जितने भी बल उस बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं जिनके कारण रिजल्टेंट कपल जनरेट हो रहा है, उन सभी बलों के कारण उसके पॉइंट के अबाउट, उनके एक्सिस के अबाउट मोमेंटों का योग जो होगा वो जीरो होना चाहिए, यानी कि समेशन m इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो हमारी सेकंड इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी समेशन h m इक्वल टू जीरो, यानी कि किसी पार्टिकल पर लगने वाले जितने भी बल एक्ट कर रहे हैं उन सभी बलों के कारण किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट का योग जीरो होना चाहिए, तभी वो सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होगा, संतुलन की स्थिति में होगा। थर्ड कंडीशन उस स्थिति के लिए जब कोई बॉडी मूवमेंट भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है खुद की एक्सिस पे, उस केस के लिए हमारी कंडीशन है इफ द बॉडी मूव्स इन एनी डायरेक्शन एंड एट द सेम टाइम इट रोटेट्स अबाउट इटसेल्फ, इफ इट मीन्स दैट देयर इज ए रिजल्टेंट फोर्स एंड आल्सो ए रिजल्टेंट कपल एक्टिंग ऑन इट। A little consideration will show that if the body is to be at rest or in equilibrium, the resultant force causing movement and the resultant moment of the couple causing rotation must be zero, or in other words, horizontal component of all the forces, vertical component of all the forces and resultant moment of all the forces must be zero. इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जब भी कोई बॉडी किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है और साथ में रोटेट भी कर रही है खुद के एक्सिस के अबाउट, तो इसका मतलब है उस बॉडी के ऊपर कोई ना कोई रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा है, यानी परिणामी बल कार्य कर रहा है, और साथ में ही कोई रिजल्टेंट आघूर्ण, परिणामी आघूर्ण भी उसके ऊपर काम कार्य कर रहा है। तो ये बॉडी संतुलन तभी होगी जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए और रिजल्टेंट कपल जीरो हो जाए। रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने का मतलब है, हमने फर्स्ट कंडीशन में पढ़ा था, सभी बलों के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट का योग यानी समेशन h इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और वर्टिकल डायरेक्शन में सभी बलों के कंपोनेंट्स का योग यानी समेशन v इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और रिजल्टेंट कपल को
जीरो करने के लिए हमें समेशन m इक्वल टू जीरो करने पड़े, जितने बल है उनके कारण आघूर्णों का योग जो है वो जीरो होना चाहिए। तो मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे समेशन h इक्वल टू जीरो, समेशन v इक्वल टू जीरो एंड समेशन m इक्वल टू जीरो। द बॉडी मे बी कम्प्लीटली एट रेस्ट, इस कंडीशन के लिए हमारी कंडीशन है, इफ़ द बॉडी इज कम्प्लीटली एट रेस्ट इट नेसेसरीली मीन्स डैट देयर इज नेदर ए रिजल्टेंट फोर्स नॉर ए कपल एक्टिंग ऑन इट। ए लिटल कंसिडरेशन विल शो डैट इन दिस केस द फॉलोइंग कंडीशंस आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड। यानी कि बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर ना तो कोई रिजल्टेंट फोर्स कार्य कर रहा है और ना ही उसके ऊपर कोई कपल रिजल्टेंट कपल एक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि बॉडी ऑलरेडी तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिए, समेशन h इक्वल टू जीरो, समेशन v इक्वल टू जीरो, समेशन m इक्वल टू जीरो। इसका मतलब बॉडी ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है। तो हमारी तीन बेसिक कंडीशंस हो जाएगी, जब भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, यदि रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है तो समेशन h इक्वल टू जीरो और समेशन v इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और यदि बॉडी ओनली रोटेट कर रही है, मूवमेंट नहीं है, तो हमारा समेशन m इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और यदि बॉडी मूवमेंट भी कर रही है और साथ में रोटेट भी कर रही है तो हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, समेशन h इक्वल टू जीरो, समेशन v इक्वल टू जीरो एंड समेशन m इक्वल टू जीरो। यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सभी ब्लॉक के कंपोनेंट का योग जीरो होना चाहिए, वर्टिकल डायरेक्शन में सभी ब्लॉक के कंपोनेंट्स का योग जीरो होना चाहिए, और सभी ब्लॉक के कारण मोमेंट्स का योग जो है वो जीरो होना चाहिए। धन्यवाद।